माता शीतला देवी वंदना मंत्र। हिंदू धर्म के विविध पर्व त्योहारों को मानने के पीछे हम सभी जानते हैं एक वैज्ञानिक सोच है, ठीक है। होली के एक सप्ताह के बाद शीतला अष्टमी का त्यौहार शीतला माता का पूजन करके और उनका व्रत करके रखा जाता है। माता के पूजन से माना जाता है कि चेचक और खसरे जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। चूँकि इस समय मौसम बदल रहा होता है, इसलिए संक्रामक रोगों का प्रकोप अधिक रहता है। इन्हीं रोगों से बचाव के लिए शीतला अष्टमी माता की विधि पूर्वक पूजा की जाती है, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। शीतला माता की महत्ता स्कंद पुराण में भी मिलती है। शीतला माता का वाहन गदर्भ है। यह हाथों में कलश, सूप और झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए रहता है। इसका भी एक महत्व है, जैसे कि चेचक का रोगी जल्दबाजी में रहता है, हड़बड़ाया हुआ रहता है और अपने वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है, झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं और नीम की पत्तियां फोड़ों को सड़ने नहीं देती। रोगी को ठंडा जल अच्छा लगता है और कलश का भी एक अपना महत्व है। गदर्भ की जो लीद होती है उसके लेपन से भी चेचक के दाग मिट जाते हैं। इस मंत्र से शीतला माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वंदे हम शीतला देवी रास भस्था दिग्भराम है मार्जनिकल शोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। अर्थात गदर्भ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से स्पष्ट है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में झाड़ू होने के साथ ही हम लोगों को सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और कलश से तात्पर्य यह है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपे समृद्धि आती है। शीतला अष्टमी इस बार 15 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाने के साथ ही स्वयं उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता शीतला बच्चों को सर्द गर्म से होने वाली बीमारियों से बचाती हैं, उनके कष्टों का निवारण करती हैं। पौराणिक मान्यता में भी यही कहा गया है कि शीतला माता चेचक की देवी हैं और उनकी कृपा बच्चों पर सदा बनी रहनी चाहिए। इसी के लिए ही शीतला अष्टमी पर पूजा और उपाय भी किए जाते हैं। इसका आरंभ हम सभी जानते हैं कि एक दिन पहले सप्तमी से ही आरंभ हो जाता है। घरों में ही पकवान बनाकर रख दिए जाते हैं और अष्टमी के दिन बासी खाने का भोग लगाकर स्वयं भी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत। कई जगह होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। शीतला की पूजा विधि विधान से करने के साथ ही व्रत भी रखा जाता है, ताकि माताएं अपने बच्चों को संक्रामक रोगों से बचा सकें। बच्चों की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। इसका एक महा उपाय भी यह है कि आप गुड़ के 21 जो मीठे वाले पुए होते हैं वो बना लें, उसको 3 हिस्सों में बांट लें। पहले हिस्से को तो आप रख देवें, दूसरे को बासी भोजन के रूप में अष्टमी के दिन शीतला माता का उसका भोग लगाएं। अब जो एक हिस्सा है उसे अष्टमी के दिन गाय को खिला दें। बाकी बचे हुए हिस्से को एक रात में लोटा जल के साथ बच्चों के सिरहाने पर रखें। सुबह उठें, लोटे के जल से बच्चे को छींटे दें और जो वो पुए हैं वो बच्चे के ऊपर से 7 बार उबार कर काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से भी माना जाता है कि बच्चे को संक्रामक बीमारियां नहीं होती और शीतला माता स्वयं उनकी सुरक्षा करती है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि शीतला माता का प्रकोप हमें झेलना पड़ता है। इस दिन हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिनसे हम शीतला माता के समक्ष कोई गलती ना कर पाएं। पहला, इस दिन ताज़ा भोजन तो हम भूल कर भी नहीं करते हैं, साथ ही इस दिन अग्नि का प्रयोग भी वर्जित है। जो खाना आप सप्तमी पर तैयार करते हैं, ठंडी तासीर वाली चीज़ें, वही आप अगले दिन खाते हैं और आप ठंडे जल से ही स्नान करते हैं। और यदि किसी को घर में चेचक हुआ है तो भूल कर भी शीतला माता का व्रत ना रखें। शीतला अष्टमी और सप्तमी पर जो माताएं होती हैं वो ना तो बाल कटवाएं ना उन्हें धोएं। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन कोई भी सुई और धागे का प्रयोग ना करें।
ऐसा अशुभ माना जाता है और खासकर गर्भवती महिलाएं तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन आटे की चक्की या जो सूत काटने वाला चरखा होता है वह भी नहीं चलवाना चाहिए और गेहूं को भी पिसवाने के लिए नहीं देना चाहिए। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले सप्तमी पर स्नान करके शीतला माता के लिए भोग जो तैयार किया जाता है वो स्नान करने के बाद ही तैयार किया जाना चाहिए। आप मीठी रोटी, मीठे पुए और मीठे चावल तैयार कर सकते हैं। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद शीतला माता का ध्यान रखते हुए अक्षत, फूल और फल चढ़ाएं। और यदि किसी के घर में शीतला माता की तस्वीर नहीं है तो आप माँ दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। शीतला माता को देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। आप माता को बासी भोजन का भोग लगाएं और 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करें और विधिवत उनकी आरती करें और अपने बच्चों को और स्वयं भी बासी भोजन ग्रहण करें माता का प्रसाद समझ के। एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो कि शीतला अष्टमी को शीतला माता की पूजा विधि के बाद सुनी जाती है, तो हम वही पौराणिक कथा आज सुनेंगे। चैत्र का महीना आया, होली बाद के दिन शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई, माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। अब माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुमार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुमार मुझे भूख लगी है। कुमार विराट की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुमार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगेगा और कुमार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुमार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर तो नष्ट हो गया लेकिन सिर्फ तेरा घर बच गया। तब कुमार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इस कारण माता को कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन कराया इसलिए मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुमार के घर पर ही मेरी कृपा बनी। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के सातवें दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गाँववासी स्त्रियाँ छठ के दिन बनाए ठंडे खाने से मेरी पूजा करें और मेरा भोग लगाए। 12 महीनों के बाद शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के 7 दिनों तक सब माता के अगता रखे, यानी कोई सिर ना धोए, कोई सिलाई नहीं करे, कोई कुछ कूटे नहीं, पीसे नहीं। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता बहुत प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हो गया। शीतला माता जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहना और कोई भूल चूक माफ करना। जय शीतला माता की। शीतला अष्टमी पर आप कुछ ऐसे काम करिए जिससे शीतला माता का आशीर्वाद आपको मिले। आप प्रातः जल्दी उठ जाएं, हो सके तो ठंडे पानी से स्नान करें। उसके बाद कंडवारे में थोड़ा सा दही, चावल, पुआ पकौड़ी, जो भी प्रसाद आपने एक दिन पहले बनाया है वो उसमें रखें। एक दूसरी थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, वस्त्र, होली के बड़कुले और एक सिक्का उसमें रखें। उसके बाद आप शीतल ठंडे जल से एक कलश को भरें। बगैर नमक के गुथे आटे से आप एक छोटा दीपक बनाएं और ध्यान रखें ये दीपक आप भूल कर भी ना जलाएं, क्योंकि इस दिन अग्नि का प्रयोग नहीं होता है। ये बगैर जलाए हुए दीपक ही आपको माता जी को चढ़ाना है। आप साफ और सुंदर कपड़े पहने पूजा की थाली पर कंडवारों पर घर के सभी सदस्यों को रोली और हल्दी से टीका करें, खुद भी टीका करें। दोनों हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें और बोलें, हे माता मान लेना और शीली ठंडी रहना।
इससे आपके बच्चों पर कोई भी बुरा प्रकोप नहीं होगा। आप मंदिर में जाएं, शीतला माता अगर आपके घर पर ही हैं तो आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। माता जी को जल से स्नान कराएं, रोली और हल्दी से उन टीका करें, उन्हें काजल मेहंदी लगाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, पूजन सामग्री अर्पित करें, बड़गुले की माला और आटे का बिना जलाया दिया, ध्यान रहे दिए को जलाना नहीं है, माता जी को अर्पित करें, माता की आरती करें, अर्चना करें। गलती से भी अगरबत्ती वगैरह आपको नहीं जलानी है। अंत में आप वापस जल चढ़ाएं और जो जल बह रहा है उसे आप लोटे में एकत्रित करें और घर के सभी सदस्यों की आंखों पर वह जल थोड़ा थोड़ा लगाएं और घर के हर हिस्से में वह जल छिड़कें, क्योंकि वह बहुत शीतलता देगा और घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसके बाद जहाँ होली का दहन हुआ था वहाँ भी पूजा करें, थोड़ा सा जल चढ़ाएं, पूजन सामग्री आप चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर भी आप पूजा करें, आप मटकी की पूजा करें और सारा बचा हुआ सामान कुम्हारी को, गाय को या ब्राह्मणी को दे दें। ऐसे शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। ठंडे व्यंजन को आप सभी परिवार मिलजुल कर माता के प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें और शीतला माता पर्व का आनंद उठाएं। शीतला माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे बच्चों पर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो।